उतरने के बाद पूरी हम जाइए तो यार ऐसा बता रहे हम 8 महीने से रेडर चला रहे हैं हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे गाइस। आज बहुत खुशी का दिन है, मेरी बाइक बन चुकी है, मैं वही लेने जा रहा हूँ। तो मस्त हम लोग रेडी एडी वगैरह है आज, बहुत खुश होते हैं, मस्त न्यूटी शायद पहनी है और मैं कैप ऐप भी लगा रहा था इस दिन से, क्योंकि बाल मैंने बहुत छोटे करा लिए थे। तो बस यही सब सीन है, तो आज गाड़ी लेने जाएंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट नर्मदा जी आएंगे, क्योंकि उस टाइम भी गाड़ी लिए थे तो हम लोग नर्मदा जी नहीं ले गए थे उस गाड़ी को। तो क्या पता हो सकता है, जो भी है पूजा वूजा कराएंगे, क्योंकि भाई बहुत इंसिडेंट हो गए हैं बाइक के साथ। तो अभी जाते हैं हम लोग बस से जाएंगे, फिर जबलपुर से भाई पिक कर लेंगे हम लोग को, फिर आधार ताल से गाड़ी उठा के फिर सीधा हम लोग गाड़ी उठा के सीधा निकलेंगे गाड़ी घाट। तो बस अभी जाते हैं और आज मंगलवार भी है तो हनुमान जी दादाजी की पूजा कर लूँ मैं, फिर निकलते हैं, फिर आके फिर दादाजी को प्रसाद भी चढ़ाऊँगा मैं कि भाई मतलब अच्छा अच्छा करें। अब बहुत गाड़ी बहुत बार गिर चुकी है, ऐसे बात तो बहुत ही खतरनाक गिरी थी, इतना ही बहुत था कि भाई को लगा नहीं था जो चला रहा था। बस यही सब सीन है, फिर चलते हैं। बैकग्राउंड में आप जो नॉइज़ सुन रहे होंगे, एक्चुअली क्या है, मोहल्ले में एक घर बन रहा है तो उसी का काम लगा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, कल झेल लेना, मैं भी झेल ही रहा हूँ। तो फिर चलते हैं, मैं पूजा वूजा कर लूँ फिर निकलेंगे घर से। गाइस मैं फाइनली पूजा करके फ्री हो गया था। तो अब क्या सीन है कि पापा जी हम लोग को स्टैंड तक ड्रॉप कर रहे हैं थोड़ी देर से, हम लोग थोड़ा सा खाना वाना खा के फुर्सत हो जाए, तो बाद हम लोग निकलेंगे इधर से बस से। और बस यही सब है, और मेरे बाल पे बिल्कुल कमेंट मत करना क्योंकि मैं खुद परेशान था इतने दिनों से, अब जाके इतने बड़े हुए तब जाके मैंने कैप उतार ली, और बाकी सबने बोला था कि कैप मत लगाओ और बाल झड़ेंगे, तो मैंने अब कैप लगाना छोड़ दिया, तो इसलिए मैं अब बिना कैप के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आज मैं मतलब क्या रहता है कि वो माइक वगैरह नहीं चलता ना अपने आईफोन में, तो उसका कनेक्टर लेके आ जाऊँगा, तो मोटो ब्लॉगिंग भी बढ़िया स्टार्ट करते हैं। तो बस तो आज मैं मोटो ब्लॉगिंग भी करूँगा, जयंती जाऊँगा उधर से ये सब खरीद लूँगा, इसके अडाप्टर जो भी है कनेक्टर, तो मस्त इधर से निकलते हैं फिर कराते हैं आपको बीच बीच में सिनेमैटिक। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं पीजे सीए मोटर्स, चाहते हैं क्या सीन होता है। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, हमारी गाड़ी बन चुकी है पर इसमें अभी मन के मुताबिक नहीं बनी हमारी गाड़ी, देखो इसमें गैप है अभी, हम बोलेंगे उनसे कि कैसा क्या है, लगवाते हैं इधर कर्नाटक भी निकाल दिया लगवाऊँगा, और बाकी तो हो गया चेंज सब जो जो खराब हुआ था, करते हैं बात। सही से फिट नहीं है, उसको ज़्यादा फिट करिए भाई, चिड़क जाएगा थोड़ा गैप आ रहा था। उस साइड का देखो पहले उधर देख, और किया था इसमें हमारा वो नट लगा रहा टूटा रहा, पहले तो एक्सीडेंटल किया था ना, इधर नट लगा था, वो नट तो लगा दो क्योंकि वो किया था, नट नहीं लगेगा। अरे कौन सा नट भैया, इधर आके बैठ के बता ना इधर। ये मिल जाती है हाफ गेयर लगा है, इधर न्यूट्रल भी शो कर रहा है, जब बहुत तेज पटक के लगाएंगे अब वो फर्स्ट गेयर लगेगा, लग गया फुल लग गया, ये भी हिल रहा है, जाम लेके आए थे दोनों चीज नहीं हिल रही थी। अरे यार भैया को बुलाओ, वो आए नहीं तो उनसे बात हिल रही थी, गाड़ी चलने के बाद पूरी हिल रही है। ना ये हिलता रहा, एक्सीडेंट वाले दिन भी इसमें कुछ नहीं है, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं होगा सही। अगर ये चीज़ हमें बाहर करानी होगी बाहर ना करा दे, कंपनी फिटेड चाहिए थी इसलिए हमने पूरा इंश्योरेंस क्लेम कंपनी से किया, ये भी हिल रहा है भाई, बल्कि इनमें तो कोई दमच ही नहीं आई थी,
देख लो ना बिल्कुल नहीं हिलता वो गाड़ी खड़ी उसमें बिल्कुल नहीं हिल रहा। ये देखो पूरा फिट है, हिल तक नहीं रहा। तो ये हिल रहा क्या? हिलाओ ना, देखो ना कहाँ हिल रहा है। कहाँ? ये तो मामूली है, ये मामूली है। कहाँ हिल रहा है? ये बिल्कुल नहीं हिल रहा। कहाँ हिल रहा है? तो यार ऐसा बता रहे हैं 8 महीने से रेडर चला रहे हैं भैया, 12-13 हजार चला रहे हैं। नहीं यार फोन लग के आती किनारे किनारे, अब वो फिक्स रहता है जब कंपनी से आता है, अब अपन खोले उसको तो वैसा करके दो ना। हम कर दे रहे भाई, आपकी जिम्मेदारी रहेगी, हम कर दे रहे कर रहे हैं। आज से मोटो ब्लॉगिंग चालू होगी हमारी। हो सकता है कि आवाज़ ना भी आए और आ भी जाए, अभी तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कनेक्टर अभी लिया है, हम लोग जा रहे हैं इधर से वारी घाट सीधा। थोड़ी इधर साइड बांधो, ऐसा ही कसूर है। माता भाई रक्षा करना हुआ। हम लोग बता रखे हैं ग्वारी घाट से निकले, मतलब ग्वारी घाट पहुँचे थे, तो मतलब हम लोग पूजा कर रहे थे, तो वो सब जो मांगते हैं भाई अपन ठीक है दान करने तैयार है, लेकिन झुंड बना के खड़े जाते हैं। अब कोई अच्छे मूड से गया है ठीक है पूजा करने, तो कोई पूजा करने दो ना यार, दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं। दे देते भाई, दे दिए फिर भी पीछे पड़े, इसलिए मैं उधर वीडियो शूट नहीं किया। फिर उधर से हम लोग अभी आए हैं पिज्ज़ा खाने, तो फिर उसके बाद घर ही निकलेंगे। तो दीदी लोग शिवानशु जी आदि सब आए, तो इसका घर जाएंगे। तो ये ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और माइक वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। और अब कल से वीडियोस आएंगे, शॉर्ट्स वीडियो और रील्स भी अपलोड होंगे इंस्टाग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना @_defansu18 नाम से, और यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना। मेरे मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे।